इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरी के अंदर ये है पुलिस स्टेशन। ये नॉर्मल सा दिखने वाला पुलिस स्टेशन, क्या ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन है? नहीं, इसके अंदर लगा हुआ यहाँ पर एक नॉर्मल सा स्टार, लेकिन क्या एक नॉर्मल सा स्टार है? नहीं, ये है एक सीक्रेट बटन। एंड अगर इसको हम प्रेस कर देते हैं तो फिर जो होगा, वेट। हे गाइस, सो अभी हमने गेम को कर लिया स्टार्ट एंड अभी रात हो रही है। एंड अभी मेरे को इतनी चुल मची यहाँ पर जाने की, तो अभी मैं रात को ही निकल गया यहाँ पर। एंड गाइस, अभी ना इस के यहाँ पर देख, मस्त लाइट वाइट लगा दी जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। मतलब नॉर्मल वाइट लाइट नहीं है, रंग बिरंगी ब्लू रेड काफ़ी बढ़िया लग रही, बिल्कुल आरजीबी टाइप की लाइट यहाँ पर लग रही है। वेल गाइस, अभी मैं आपको बता तो हम करने क्या वाले। पहले तो थार देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अभी गेम के अंदर थार ऐड करके काफ़ी बढ़िया काम किया है। लाइक पहले वो मॉडिफाइड थार थी, वो मतलब कि मेरे पसंद नहीं थी, यानी आप में से भी काफी कम लोगों को पसंद थी, इसी वजह से आपकी ज्यादा डिमांड आई और फिर इसको ऐड कर दिया गया। वेल गाइस, तो अभी मैं जाने वाला पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा एक स्टार लगा हुआ है, लेकिन गाइस वो कोई एक नॉर्मल सा स्टार नहीं है, उसके अंदर एक सीक्रेट बटन है। उसको प्रेस कर देते तो फिर अपने को कुछ अजीब और गरीब खतरनाक चीज होगी जो कि आज से पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं करी गई। वेल यहाँ पर देख सकते हो, मस्त यहाँ पर पुलिस के गार्ड वगैरह लगा रखे। अभी ये गार्ड हो सकते इस बटन के लिए लगा रखे, क्या पता हम यहाँ पर दबाए उसकी वजह से अपने को मारने लग जाए। वैसे यहाँ पर फुल स्टाफ है भाई, अंदर एक मस्त लोंडा बैठा हुआ है मस्त क्राइम व्राइम करके। लेकिन गाइस यही है वो स्टार, एंड इसको प्रेस करने के लिए क्या ऐसा कुछ है, क्या कोई बटन दबाना है क्या? वेट, ओके, किल 7 NPC विद स्पाइनो। ओके, अभी मेरे को समझ में आ चुका है गाइस। ओके, तो गाइस आपको पता होगा स्पाइनोसोर एक डायनोसोर है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला, एंड वो लोगों को मार सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी है। तो उसको अपने को पहले टेम करना पड़ेगा। यस, उसके लिए अपने को जुरासिक पार्क के अंदर जाना पड़ेगा एंड उसको टेम करना पड़ेगा, यानी अपने को पालना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल पालतू पशुओं को पालते हैं उस टाइप से उसको पालना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, फिर वो लोगों को मारेगा अपने कहने पर। इस टाइप से 7 लोगों को मारना है। लेकिन बस मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि रात को जाऊँगा, क्योंकि ऐसा भी वो खुद एक यहाँ पर खाने के लिए ढूंढ रहा होगा लोगों को, एंड वहाँ पर वो अकेला नहीं है भाई, जुरासिक पार्क के अंदर से लाना अपने को उसको, तो वहाँ पर वो अकेला नहीं, उसके साथ टीरेक्स भी होगा, स्पाइनोसोर के साथ, एंड एक और क्या स्पेच बेच ऐसा कुछ नाम है वो भी होगा, एंड मिनी डायनासोर, मतलब काफ़ी सारे डायनासोर होंगे। तो इसलिए अभी मैं जुरासिक पार्क के अंदर नहीं जाऊँगा, अभी यहाँ पर रात हो रही, तभी सुबह होने दे फिर चलेंगे। ओके गाइस, तो मस्त सुहानी सी यहाँ पर दिन हो चुका है, एंड अभी हम जाने वाले जुरासिक पार्क के अंदर। एंड वहाँ पर जाकर डायनासोर, वैसे डायनासोर तो काफ़ी सारे, तो यहाँ पर मैं आपको डायनासोर के नाम बता दूँ। सबसे पहले गाइस वो छोटा सा पिद्दी सा वेलोसिरप्टर है, उसके बाद एक टीरेक्स बड़ा सा, जो कि ये दोनों ऑलरेडी पहले गेम के अंदर थे, लेकिन न्यू एड कर एक तो यहाँ पर स्पाइनोसोर, जो कि अपने हम उसको टेम करना अभी जाकर। एंड एक और बेचसोर है, चाहे उसका नाम है, मतलब पूरा नाम नहीं। ओ वेट भाई, इसीलिए तो थार ओपी है भाई, देखा आप लोगों ने, मतलब कि कितनी मस्त जंप करी उसने, ओडी के ऊपर से निकल ली डायरेक्ट। इससे बोलते हैं भाई थार की पावर भाई, ये जो जो चीज़ इसने करी वो मॉडिफाइड थार नहीं कर सकती थी भाई। मस्त जंप भी कर लिया, और जंप छोड़ो, जंप करने के बाद सेफ लैंडिंग भी कर ली, नहीं तो नॉर्मल दूसरी जो थार होती वो मॉडिफाइड थार होती तो 100% वो डिसबैलेंस हो जाती, पलट पलट जाती भाई, इसीलिए तो बेस्ट है भाई थार। वेल गाइस, अभी चलते जुरासिक पार्क के अंदर, एंड भाई थोड़ा सा भी मेरे को डर का माहौल तो है, लेकिन गाइस अभी इस काम को हमने कर लिया तो एक मस्त चीज होगी जो कि इस गेम के अंदर, मतलब आप लोगों को शायद ही पता होगा, वो हम कर भी सकते या फिर नहीं। ओके गाइस, अभी देखता हूँ, सबसे पहले अपने को स्पाइनोसोर ढूंढना है किसी भी हाल में, सबसे पहले गाना पर। ओके, जस्ट सामने स्पाइनोसोर भाई मुंह फैला कर आ रहा। पहले गाइस ऐसा थोड़ी, अगर आपको लग रहा हम सिर्फ इसके पास जाएंगे एंड इसके ऊपर बैठ पाएंगे या फिर हम किसी लोगों को मारेंगे उसको मान लग जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। इसको पहले अपने को टेम करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितनी बार, तो इसको अपने पीछे पीछे भगाना पड़ेगा पहले थोड़ी कुछ देर तक, एंड फिर ये भागता रहेगा तो फिर इसके अंदर जो पावर होती है, मतलब इसके अंदर जो लोगों को, मतलब अपने को खाने के लिए भागेगा पहले, तो फिर ये सोचो भाई छोड़ो भाई, ये तो अपने को हाथ ही लग रहा, छोड़ो क्या ही खाना, तो इस टाइप से इनका ब्रेन वर्क करता है, तो इसलिए इसके बाद फिर इसको हम टेम कर पाएंगे। तो अभी कहाँ पर गया वेट, अबे वेट, अच्छा पीछे आ रहा है। चलो गाइस, अभी इसको थोड़ा सा पीछे भगाएंगे हम, एंड देन फिर ये अपने अबे नहीं मार डालेगा भाई, सही टाइम पे निकल गया। वैसे इतना ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ता है भाई टीरेक्स, आई थिंक इससे ज़्यादा फास्ट है शायद, मेरे को ऐसा लगता है। वेल गाइस, अभी अपनी इसी टाइप से मैं इसको थोड़ा सा पीछे पीछे भगाऊंगा, एंड फिर थोड़ी सी आगे जाकर ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, फिर समझ लेना ये टेम हो चुका, यानी ये
अभी ये अपनी बात मानेगा जो भी हम इसको बोलेंगे। तो चलिए गाइस, अभी तो पहले मैं इसको अच्छे से पीछे भगाता हूँ। एंड भाई जल्दी जल्दी आ जा भाई, अभी 7 लोगों को तुझे ही मारना है। एंड इसके बाद फिर वो बटन अनलॉक हो जाएगा, फिर तो भाई मज़े ही मज़े। तो लेट्स गो, अभी रुकते हैं। एंड आई थिंक ओके गाइस, आखिरकार इस टाइप से अगर रुक जाए तो फाइनली समझ लेना वो टेम हो चुका है ना। अभी इसको जो भी हम यहाँ पर ऑर्डर देंगे ये वो फॉलो करेगा, लाइक मारने का ऑर्डर ही फॉलो। ऐसा नहीं किया है सब कुछ अपने के लिए, चाय नाश्ता पानी लेकर आएगा, ऐसा नहीं है भाई, नौकर नहीं है ये। वेल देख सो कितना इसके दांत देखो भाई, कितने खतरनाक है भाई। तो पहले शुरुआत इसी से, ये लो भाई कितना तगड़े तरी, बिल्कुल मुँह में सीधा खाता भी नहीं, पूरा डस लेता है। चलो एक बार सेकंड इसको मार दे बेटा, चलो सेकंड को भी मार दिया। एंड भाई देख रहे हो पावर इसकी, बस एक ही में मुंह मारेगा और ख़त्म। एंड चलो नेक्स्ट ये है तीसरा नंबर का, इसको मार दे, जल्दी जा बेटा अभी ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास। वो देखो भाई कितना, अबे अपने पीछे जब आ रहा था इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन अगर हम इसको इस टाइप से मारने के लिए बोल रहे तो काफ़ी फास्ट जा रहा मारने के लिए। ये देखो चौथा नंबर की मैडम जी को अभी हमने मार दिया, 4 किल ऑलरेडी हो चुकी, ये है 5वां किल गाइस यहाँ पर अपना। एंड 5 किल भी यहाँ पर हो चुका, डन। एंड 5 है या फिर 6, मेरे को भी आइडिया नहीं, आई थिंक ये यस ये 6 नंबर का किल है, तो इसको भी हमने किल कर। अभी लास्ट एक बंदे को और मारना है, एंड फिर तो भाई मजे ही मजे। लेट्स गो, इधर आ जाओ बेटा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक और एनपीसी कहां पर। सर आ जाओ, किसका बलिदान देते हैं अभी। ओके ओके, उस साइड एक बंदा, ये बंदी है, इसको मारेंगे भाई पहली फुर्सत में निकल। भाई देखो कितना सब फास्ट भागते भागते आ रहा है। एंड इसमें ऐसा होता कि ये नॉर्मल लोगों को मार रहा है, लेकिन ऐसा होता गालियों की भी फोड़ देता, जैसे हम इसको ब्लास्ट करते हैं ना आरपीजी से, उस टाइप से ऐसा डस्ट लेता तो वो भी ब्लास्ट हो जाती। ऐसा होता कितना बढ़िया रहता भाई, वो भी काफ़ी मस्त चीज़ होती। वेल गाइस फिलहाल तो अभी इसने 7 को मार दिया, एंड ये रुक चुका है गाइस। तो अभी अपना मिशन आई थिंक हमने डन कर लिया शायद, तो अभी आगे का क्या प्रोसेस है मेरे को देखना होगा। अबे जल्दी बताओ भाई, अपना अनलॉक हुआ या फिर नहीं बटन अपना। अभी एंड द गेम विद बोट, एक मिनट, ये क्या अभी नई चीज़ है भाई, एंड द गेम विद बोट। बोट तो गाइस आपको पता होगा लेटेस्ट अपडेट में बोट ऐड कर दी गई है, एंड उस बोट से अपने को गेम को एंड करना है भाई। ये मेरे को समझ नहीं आया, मतलब तो बोट तो अपने को उस बीच की साइड ही मिलेगी, तो अभी मैं शॉर्टकट लेकर जाता हूँ। एंड गेम को एंड करना है, गेम को एंड कैसे करते भाई, जैसे कि माइनक्राफ्ट है उसके अंदर तो अपने को वो मिलता है, क्या नाम उसका, वो अबे होता ना वो ऊपर उड़ने वाला जो भी उसका ना भाई, खतरनाक एक भाई। गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा उड़ तक उड़ती हुई नीचे गई। वेल गाइस अभी मैं जाता हूँ उस बीच की साइड, एंड वहाँ पर मैं देखता हूँ क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, तो अभी दूसरी गाड़ी लेकर मैं आ चुका बीच की साइड। एंड ये देखिए गाइस, यहाँ पर लगा रखी है मस्त बोर्ड। एंड गाइस मेरे को समझ में आ चुका इसका कहने का मतलब क्या है। तो गाइस आपको पता होगा एक ही डायरेक्शन में अगर हम पानी के अंदर चलते रहते, मतलब जाते रहते आगे से आगे, तो इनफाइनाइट वर्ल्ड के अंदर गिर जाते, यानी वो जो पूरा वहाँ पर बादल बादल इस टाइप का वर्ल्ड है, अलग सा वर्ल्ड, उसके अंदर गिर जाते। तो वो वर्ल्ड ही मतलब गेम का एंडिंग पार्ट है, मतलब गेम को एंड करना है, यानी ये वर्ल्ड जो है ना इसको अपने को एंड करना है बस, यानी इससे अपने को एस्केप करना है, एस्केप द मैट्रिक्स वाला सीन है। तो चलो गाइस अभी इसको कंटिन्यूसली मैं एक ही डायरेक्शन में जाता रहता हूँ, ये समुद्र एंड समुद्र है जो भी यहाँ पर, तो अभी इसको एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो जितना ज़्यादा आगे से आगे हम जाते रहेंगे तो फिर ये एक टाइम पे एंड तो होगा, और वो एंडिंग पॉइंट ही अपने गेम का एंडिंग पॉइंट है। फिर ये एक सेकंड चैलेंज पे अपना हो जाएगा डन, एंड फिर हम उस बटन को प्रेस कर पाएंगे। वेल गाइस अभी इस फुल मस्त खतरनाक तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। एंड गाइस जब तक हम जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना ये वाला इमोजी, एंड सब्सक्राइब तो कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। ओके गाइस, एंड यहाँ पर एंडिंग पार्ट आ चुका है जस्ट अपने सामने। सो गाइस क्या आप रेडी हो यहाँ पर? एंड गाइस मैं तो फुल रेडी हूँ, अभी जस्ट देखना गाइस यहाँ पर एंडिंग पार्ट। एंड ओके हमने जंप लगा, अबे उल्टा कैसे हो रहा है ये बोट, अबे पूरी बोट उलट हो चुकी, शिट भाई। जैसे कि एंडिंग पार्ट में था मार चुके हैं ना भाई, अभी डरने की क्या बात। आई थिंक अपना जो मेन मिशन था वो हमने आई थिंक डन कर दिया होगा। आई होप भाई ऐसा नहीं हो यहाँ पर फिर से करने की बोले भाई, ऑलरेडी इसको यहाँ पर एंडिंग में आने के लिए मेरे को लगभग 5 से 7 मिनट लगे। भाई अभी जल्दी बताओ आगे, भाई मैंने यहाँ पर जंप लगा दिया, फिर ऑटोमेटिक गो टू पुलिस स्टेशन। ओके गाइस वहाँ से जैसे हमने जंप किया हम यहाँ पर टेलीपोर्ट तो हो चुके हैं, एंड अभी अपने पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है। ओके गाइस शायद अपना काम डन हो चुका है। पहले तो इन सर की यहाँ पर बुगाटी को लेते, लात मारकर बाहर निकालते, एंड जल्दी से चलते इस पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि गाइस मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक अपना काम डन हो चुका, क्योंकि अभी इसने कोई भी मिशन करने को नहीं बोला है। मतलब दो स्टार्टिंग में हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए थे तो अपने को मिशन की बोला था। ओ भाई ये पुलिस वाला क्या भाई पत्थर से बना रखे, मरता भी नहीं है।
तो चलो गाइस अभी चलते पुलिस स्टेशन। प्लीज यहाँ पर मिशन डन हो चुका तो वीडियो को लाइक करना। ओके फाइनली गाइस ये है वो सीक्रेट बटन, सीक्रेट स्टार है, इसको प्रेस हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कौन सी की या फिर कौन सी है? अबे कोई कैसे होगा ये, प्रेस ई। ओके तो यहाँ पर प्रेस ई करते हैं एंड ओके गाइस अभी हम GTA 5 के अंदर यहाँ पर डन मतलब एंटर हो चुके हैं। भाई ये खतरनाक चीज़ है भाई, एवन यहाँ पर कार्स और बाइक्स का कलेक्शन तो देखो अपना। यहाँ पर ये कौन सी बाइक, हार्ले डेविडसन आई थिंक, एंड ये है देख सकते स्कॉर्पियो S11 निसान GTR, एंड ये बाइक, ये कौन सी बाइक है भाई, ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई ये तो। एंड ये Duke 200। तो गाइस Duke ये सभी बाइक का तो नाम पता है, लेकिन ये बाइक कौन सी है? खैर गाइस बाइक के साइड में तो निसान GTR भी इधर मस्त चलाएंगे भाई, एंड S11 भी इधर देख सकते कितनी खतरनाक। तो गाइस पहले तो इस बाइक को मेरे को देखना भाई, ये कुछ ज़्यादा अलग ही लग रही है भाई, देखो क्या मस्त इस, ओ भाई खतरनाक है भाई ये तो। तो चलो भाई मस्त यहाँ पर विली ये भाई खतरनाक, बस भाई। तो चलो गाइस अभी जल्दी से चलते इसको साइड में रखते हैं, एंड निसान GTR को लेकर जाएंगे हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। माइकल के घर पर जाएंगे, उसको लेकर जाएंगे, एंड भाई इसके डैमेज कर दिया मैंने शिट। तो चलो गाइस अभी इसको जल्दी मैं पीछे ले जाता हूँ, एंड फिर अभी निसान GTR को लेकर चलते इस GTA 5 यानी कि लॉस सैंटोस को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई GTR देखो भाई क्या लग रही है, मतलब कि गाइस अगर गाड़ी अगर महंगी है तो उस पर कलर मैटर नहीं करता है। गल गाइस इससे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर इस चोप वोप को देख कर आता हूँ, इस फ्रैंकलिन के घर को देखते एक बार। भाई ये देखो मस्त स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पर लगा रखा है, मस्त नहा लिए काफ़ी समय के बाद, एंड काफ़ी दिनों के बाद GTA 5 वर्ल्ड के अंदर आए हैं भाई, मज़ा आ गया भाई। पता नहीं लगभग 4-5 महीने बाद मैं खुद भी पर्सनली इसको प्ले कर रहा हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर तो आ चुके, एंड अभी इसका एग्जिट ओके इस साइड से हम जा सकते। फ्रैंकलिन का घर काफ़ी बड़ा है भाई देख सो तो यहाँ पर। तो चलो गाइस अभी जल्दी से चलते ऊपर, एंड ये है फ्रैंकलिन का पूरा घर। तो गाइस घर तो हमने ऑलरेडी पहले भी देख रखा है गाइस, एंड यहाँ पर जल्दी अबे इस साइड नहीं जाना भाई, इतना ज़्यादा बड़ा घर है कि मेरे को समझ नहीं आया एग्जिट। वेट अबे आई थिंक गाइस फ्रैंकलिन इस घर के अंदर नहीं है, वो कोई माइकल भाई। तो गाइस फ्रैंकलिन ना इस टाइप से रॉबरी वगैरह करने के लिए जाते रहते, तो घर को लॉक करके गया बंदा, देख लो भाई इतना ज़्यादा बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ गया। एंड चलो गाइस अभी माइकल के घर पर जाएंगे जल्दी से, एंड गाइज लेट्स गो गाइस। अभी यहाँ पर आने के बाद तो मज़े ही मज़े, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं भाई यहाँ पर आने के बाद। तो चलो गाइस अभी चोप को देखते हैं, यहाँ पर चोप है नहीं भाई, चोप यहाँ पर नहीं है भाई। खैर गाइस हम चलते हैं अभी जल्दी से निसान GTR को देखने के लिए किस टाइप से चलेगी आखिरकार। भाई S11 हमने चला रखी है अपने इंडियन बाइक के अंदर, और बाइक्स वगैरह सब कुछ चला रखी, लेकिन निसान GTR थोड़ी चलाइए भाई, क्या स्पीड है इसकी भाई, जस्ट एक्सीलेटर प्रेस करते 100 तो ऐसी टच कर जो भाई क्या ही खतरनाक है भाई, एक नंबर। तो भाई इसकी स्पीड ना सिर्फ ब्रेक मतलब कि रेस में ही नहीं है, कंट्रोल भी इसकी ओपी है, मतलब जस्ट हम ब्रेक प्रेस कर रहे तो मस्त तरीके से कंट्रोल हो जा रही है, इसे बोलते हैं रियल गाड़ी भाई, सिर्फ एक्सीलेटर ही सब कुछ नहीं होता। पहले मैं गाने को बंद कर देता हूँ, एंड चलो जल्दी से चलते यहाँ पर एक मस्त सी ड्रिफ्ट। ओ भाई ड्रिफ्ट के चक्कर में बंदे ने ठोक दी भाई, भाई निसान GTR इतनी मस्त गाड़ी की हालत क्या कर रखी है मैंने भाई, पीछे से इसके ग्लास वगैरह टूट चुके, डेंट वगैरह आ चुके। खैर कोई बात नहीं गाइस, अपने पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब फ्रैंकलिन के पास है, माइकल के पास है, तो किसी की भी गाड़ी उठा सकते हैं, एंड ये माइकल का घर। तो गाइस अभी मेरे को समझ आ चुका, आई थिंक माइकल और फ्रैंकलिन और शायद ट्रेवर भी साथ में कहीं पर रॉबरी करने के लिए गए होंगे, इसकी वजह से गेट वगैरह सब कुछ बंद है, एंड यह देखो आगे से सब कुछ टूट चुका है भाई इस गाड़ी का। तो गाइस अभी ओके गाइस, तो यहाँ पर ना पुलिस अपने यहाँ पर पीछे लग चुकी है, एंड गाइस पुलिस को मैं ऐसे चकमे दे रहा हूँ भाई, ये मेरे को पकड़ भी नहीं सकते, एक दो पुलिस वाले तो डेफिनेटली अपने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मस्त इनके बीच में से ऐसे निकल रहा हूँ भाई जैसे कि बिल्कुल ईजिल। ये देखो भाई ये बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी, इनको पता है अगर हम बाहर निकलेंगे तो भाई गाड़ी से कुचल देगा डायरेक्ट नशेड़ी आदमी। ये देखो भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई, 2-3 पुलिस वालों से तो अपने को कुछ भी नहीं होने वाला भाई, जब तक कि 5 स्टार नहीं लगे अपना कुछ भी नहीं कर सकते। मस्त यहाँ पर ड्रिफ्ट वगैरह लगाते हैं, एंड पुलिस वाले भी ट्राई करें ड्रिफ्ट लगाने की, लेकिन वो लगा थोड़ी पाएंगे। खैर गाइस यहाँ पर चलते थोड़ा सा आगे, एंड लोगों को और मारता हूँ मैं ताकि 5 स्टार लगे और फिर देखते अपने को मार पाए थे या फिर नहीं। सो गाइस अभी ना मैं इस साइड आ चुका हूँ इस पानी के इस साइड, एंड गाइस अभी ने काफ़ी सारी यहाँ पर गाड़ियों वगैरह अपने ऊपर अटैक कर दिए, इन सबको फोड़ देता हूँ लो भाई, एंड ऊपर से हेलीकॉप्टर अगर मार रहे भाई ये तो सब मिलकर आज अपने को बेल देंगे भाई, खतरनाक सीन हो चुका है यहाँ पर। तो अभी कोई भी अपने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, खैर हम भी इनको मार डालेंगे।
सो ओके गाइस, सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर 2000 लाइक्स हो सकते करवा देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से फॉलो कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।